नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखर। लगातार सरपंच पद के प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि गुंजन मेहता मेरे साथ मौजूद हैं मुसाईवाला ग्राम पंचायत से, और दोबारा फिर से गांव के लोगों ने इन पे अपना भरोसा, आस्था, समर्थन जो है वो जता करके इनको गाँव की कमान जो है वो संभालने का काम किया है। तो ऐसे में आपको बता दूँ कि गुंजन मेहता लगातार दूसरी बार जो है वो गांव की सरपंच, महिला सरपंच बनी है। इससे पहले भी महिला सरपंच गुंजन मेहता थी और इस बार भी गुंजन मेहता जो है वो सरपंच बनी है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। गुंजन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूसरी बार सरपंच। थैंक यू सर। के हरियाणा टीम का एक बार फिर से आगमन पर हार्दिक अभिनंदन सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और सर, सबसे पहले मैं अपने गांव वासियों को हाथ जोड़कर हार्दिक बधाई दूंगी कि आज हम सब मिलकर सरपंच बने हैं। मैं अकेली सरपंच नहीं बनी, मेरे साथ सभी सरपंच बने हैं। तो आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ आप सबको। और मैं एक चीज़ ये गाँव वासियों को कहूँगी कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा दिखाया, अपना विश्वास दिखाया है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे पिछले प्लान में हमने मिलकर सबने काम किए थे, विकास कार्य किए थे, आगे भी हम सब मिलकर इसी तरह विकास कार्य करेंगे। जो कमियाँ पिछले प्लान में रह गई थी उन्हें नेक्स्ट प्लान में पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 100% ये कोशिश की जाएगी कि जो पिछली कमियाँ रही हैं उन्हें सबको पूरा किया जाए। तो एक बार फिर से आप सबका हार्दिक बधाई, आप सबको हार्दिक अभिनंदन, आपका शुक्रिया सबका, धन्यवाद। आपने पीछे जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था सरपंच बनने से पहले, तो उस समय कुछ महिलाओं के लिए कुछ सौगातें देने का ऐलान किया था। वो सौगातें क्या रहेंगी या क्या क्या सौगातें? सर, मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को समाज में वो मान सम्मान मिल सके, वो आदर मिल सके जिसकी वो हकदार हैं। तो मेरा पहला यही रहेगा कि उनको शिक्षा अच्छे से प्राप्त की जाए, कि मिले, शिक्षा की प्राप्ति अच्छे से हो उन्हें, वो किसी भी कारण से, किसी भी समस्या की वजह से घर पे ना बैठे, स्कूल अपग्रेड का रहेगा। और सर, जैसे यहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह नहीं है, उनका कुछ ना कुछ किया जाएगा कि अच्छी ट्यूशन्स यहीं गाँव में ही मिल सके लड़कियों को। और सर, मैं ये चाहती हूँ अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इसके लिए सिलाई सेंटर वगैरह, ब्यूटी पार्लर वगैरह के कोर्स वगैरह अवेलेबल कराए जाएंगे सर। जी सर, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, नरेंद्र मेहता जी हैं सरपंच प्रतिनिधि और गुंजन मेहता के हस्बैंड, इनसे बातचीत करते हैं। मेहता जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दूसरी बार के लिए। धन्यवाद रमेश जी, आप आज हमें बधाई देने के लिए आए हो। मैं आपका तहे दिल से हमारे गाँव में पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी। मेहता जी, अगर बात करें तो अभी आने वाले समय के अंदर अगर बात करें तो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या कुछ रहेंगे, क्योंकि पिछले प्लान में जो कोरोना के कारण जो कुछ कमियां रह गई थी, शायद उन्हें पूरा करने के लिए गांव के लोगों ने आपको फिर से मौका दिया है, तो क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट रहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा पूरे सूझवान वोटरों का जिन्होंने दोबारा हम पे आस्था जताई, और मैं उनकी पूरी तन मन धन से, मैं और मेरा पूरा परिवार पूरे 5 साल गांव की सेवा करेंगे। जो पिछले काम, मतलब कोरोना की वजह से या किसी कारणवश पैसा नहीं आ पाया तो काम नहीं हो पाया, वो रहेंगे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो स्कूल का अपग्रेड का रहेगा जी, उसको हमने 10वीं तक करना है ताकि जो गांव की बच्चियाँ हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, 10वीं की शिक्षा उनको गाँव में ही मिले। उसके बाद पीने का पानी कोई अच्छी हमारी क्वालिटी का नहीं है गाँव का, तो उसके लिए वाटर बॉक्स हमारा सेंक्शन हो चुका है। जैसे आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, उसका भी अप्रैल के अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज बनती हैं वो पूरी करवा के उसको अप्रैल के अंदर भी काम शुरू करवा दिया जाएगा। और जो छुटपुट गलियां रह गई हैं और गांव में पार्क हो गया, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए मैं सोच रहा हूं कि उनके लिए अलग से एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए। और लास्ट टाइम हम एक मंदिर का लेके चले थे, बस वो किसी कारणवश में कई बाधाएँ आई तो बन नहीं पाए। इस बार हमारा वो आधा काम हो चुका है और बाकी जो रह गया वो जल्दी शुरू करेंगे उस चीज़ को, और गाँव को साथ लेके चलेंगे। मुझे सबका साथ चाहिए फिर विकास करने के लिए जी। तो ऐसा विकास करेंगे कि आगे गांव के लोग तीसरी बार फिर से आप पे भरोसा दिला। ये तो आपका और गाँव वालों का प्यार है जी, जो गांव का आदेश होगा और उनके साथ है जी। इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, पर गांव ने दोबारा इस चीज़ की विश्वास कहा कि आपको करना है, तो देखो गांव से बाहर नहीं जाया जाता, जो गांव का फैसला है वो सर्वमान्य रहेगा। ठीक है, गाँव के विकास के उत्थान के, गाँव के उत्थान के लिए आगे विकास कार्य लगातार जारी जी। गाँव के लिए एक एक अपना कीमती सेकेंड उनको गाँव के लिए मेरा अवेलेबल रहेगा, इस चीज़ के लिए मैं हाजिर रहूँगा उनके लिए। शुक्रिया। गांव के लोगों ने फिर से मैदान में उतारा और गांव के लोगों ने ही फिर से मैदान फतेह करवाया, और इसी का परिणाम है कि गुंजन मेहता जो है वो लगातार दूसरी बार गांव की महिला सरपंच बनी है। आने वाले समय में गांव के लोगों के उत्थान के लिए, गांव के विकास के लिए लगातार इनके कार्य जो है वो लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि पिछले प्लान की अगर बात करें तो मुसाईवाला गाँव की काया जो है वो पलट के
इस सरपंच ने रख दी थी। और कोरोना काल के दौरान जो है वो जो मुसीबतें आई, जो दिक्कतें आई, जो काम पेंडिंग रह गए थे वो काम पूरे करवाने के लिए गांव के लोगों ने फिर से एक बार इनको मौका दिया। और इनका कहना है कि इस मौके पे जो है मौका को जो है वो खोएंगे नहीं, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। और आने वाले समय में 5 सालों का समय जो कार्यकाल इनका रहेगा, उस कार्यकाल में जो है वो गांव को एक बहुत ही बढ़िया, सुंदर और सुसज्जित गांव बनाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में गांव के लोग जो हैं वो याद रखें कि हाँ, सरपंच हुई थी तो गुंजर मेहता हुई थी। और आने वाले समय में अब क्या अगर ये विकास कार्य और करवा पाते हैं, जो इन प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं वो पूरे करने में सफलता हासिल होती है या नहीं होती, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी विकास के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।